बालाघाट की वारा शिवनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक द्वारा पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी कर रहा था। जब युवक की पहली पत्नी को इस बात की जानकारी हुई तो वह पुलिस के साथ विवाह स्थल पर पहुंच गई। पहली पत्नी ने वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया और दोनों पक्षों के बौद्ध विहार में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने पति सुनील भोतेकर को हिरासत में लेकर पीड़ित महिला की शिकायत पर मामले में छानबीन शुरू कर दी है। मामला आया था शादी का लेकर, सर किस तरह का यह मामला है, क्या ये एक मामला ऐसा है कि एक किरनापुर एक निवासी है सुनील भोतेकर, उसकी शादी पूर्व में वारासुनी में हुई थी और ऐसी जानकारी पहली पत्नी को के परिवारजनों को हुई कि वो दूसरी शादी करने वाला है। पहली पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं होने के कारण पुलिस में मामला 498 का था जो अभी अंडर ट्रायल चल रहा है न्यायालय में, और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बात हुआ है। दोनों पक्ष जो हैं थाने में उपस्थित आए हैं जिसके संबंध में थाने में जांच की जा रही है। सर आज विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई थी? हमारे यहाँ ऐसी सूचना नहीं मिली थी, लेकिन विवाद की सूचना पर पुलिस जरूर वहाँ पर पहुँची थी और संबंधित पक्षों को थाने लाया बुलाया गया है और जाँच की जा रही है। नाम आपका? रूपा भोतेकर। कहाँ शादी हुई थी, कितने साल पहले शादी हुई थी? मेरी 2 साल पहले शादी हुई थी, 26 नवंबर 2020 में हुई थी, सुनील भोतेकर के साथ में हुई थी, मेरे बालाघाट ग्राम कोसमी में वार्ड नंबर 2 में पूरे सामाजिक रीति रिवाज के साथ में हुई थी। अच्छा, फिर ये क्यों विवाद हुआ आपके अपने पति के साथ में? ये मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे, 2 लाख रुपए मांगते थे और गाड़ी मांगते थे, बहुत परेशान करते थे। अति में मेरा मोबाइल नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, जेल जैसे ज़िंदगी दी थी दोनों ने मुझे। और ये जो मेरी नंद है हेमलता, इसने मुझे बहुत मारा, इसने मुझे गला दबा दिया कई बार। तो आप लोग का कोर्ट में कोई केस चल रहा है? जी हाँ, दहेज प्रताड़ना का केस चल रहा है इसके ऊपर। हाँ। घरेलू हिंसा का केस चल रहा है। आप लोग का तलाक हो गया था? नहीं हुआ है। आज क्या हुआ बताओ, आज की घटना बताओ। आज हमको कहीं से पता चला कि ये दूसरी शादी कर रहे हैं, तो हम इनके पीछे आए थे देखने के लिए, तो ये पकड़ाए दूसरी शादी कर रहे हैं। किससे शादी कर रहे थे ये तो नहीं पता, वही बताएंगे। कहाँ हो रही थी शादी? बुद्ध विहार में वार्ड नंबर 1 में। कैलाश मेश्राम, ये आप शादी हो रही थी वहाँ विवाद की स्थिति बन गई थी, क्या पता था आपको शादी के बारे में? जी मुझे, मैं बौद्धिज्म का संस्कार करता हूँ, परित करना, पूजा पाठ करना, शादी लगाना मेरा काम है और बालाघाट जिले में अधिकतर जगह में शादी लगाने जाता हूँ। लोग मुझे शादी लगाने के लिए बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। तो ऐसा ही वारा से कोई शेंडे जी करके है, वो इन दोनों का मध्यस्थ था, मीडिएटर, जिनने ये दोनों को जोड़ा है। उसका मुझे फ़ोन आया, बोले कैलाश भैया मैं आपको जानता हूँ, तो बोले सोलह दस को बिहार में शादी लगाना है बोले। तो मैंने उनसे ये पूछा कि दोनों बालिक है कि नहीं, नहीं बोले दोनों के तलाक हो चुके हैं और दोनों गंधर्व विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।